Good morning, students. How are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing great. Today we will read our chapter number 5. Plants around us. Ped podhe hamare charo taraf. We see many plants around us. Hum dekhte hain hamare charo taraf bahut sare ped aur podhe. They are of different shapes, size and colors. वो कैसे हैं? Different shapes के हैं, size के हैं और colors के हैं. They are found in different places. वो कहाँ मिलते हैं? अलग अलग जगह पर. Some are found on land and some on mountains. कुछ कहाँ मिलते हैं? Land पे, जमीन पे और कुछ पर्वतों पर. Some grow in water. Plants are live in different surrounding. Plants जो जीवित जीने का उनका जो अलग अलग surrounding में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. Over millions of years they have changed slowly to set themselves to their surrounding or environment. This process is called adaptation. क्या बोलते हैं? जो हम चीज़ें होती है धीरे धीरे हम बदल जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं. जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण में बदलाव आता है उसको, तो पेड़ पौधों ने भी क्या किया है, धीरे धीरे उनके भी चेंजेस आ गए हैं. जैसे वो पहले थे कुछ सालों पहले, वैसे अभी नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े बदल गए हैं. आजकल हम जो पहाड़ों पे केवल होते थे उन पेड़ पौधों को हम भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना यहाँ पे भी. जैसे कोकोनट पहले केरला में ही होता था, आजकल आपको जोधपुर में भी मिल जाएगा, कई लोग लगाते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर हैबिटेट एंड लीव्स. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके जो बड़े होने के जो उनकी जो आवश्यकता होती है वो, और यूज ऑफ लीव्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? People who study plants are called botanist. Botanist कौन होते हैं? वनस्पति वैज्ञानिक. कौन? वनस्पति वैज्ञानिक. वनस्पति पेड़ पौधों को बोलते हैं और वैज्ञानिक क्योंकि वो उन पर स्टडी करते हैं. तो जो स्टडी करता है प्लांट्स के बारे में उसको बोलते हैं वनस्पति वैज्ञानिक. Botanist have divided plants into 5 sections. देखो, ट्री, shrubs, herbs, क्लाइंबर एंड चीपर्स. ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर, चीपर्स, फाइव. हाउ मेनी? फाइव टाइप्स. ट्रीज आर टॉल प्लांट्स दैट कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ट्रीज क्या है? टॉल प्लांट्स जो बड़े बड़े होते हैं. लुक, ये है ट्रीज. ये क्या चल, बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं. दे हैव अ थिंक वुडन स्टेम कॉल्ड ट्रंक. जो इनकी जो ये तना है वो लकड़ी के उस वैसा होता है, वुडन वाला होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. फ्रॉम विच ब्रांचेस ग्रो विथ लीव्स और देम. जो ये तना है इसमें से क्या होते हैं, ये पत्तियाँ आती है, ब्रांचेस अलग अलग और टहनियाँ जाती है ना इस पर, और उन पर क्या होते हैं, खूब सारे लीव्स होते हैं. पीपल और नीम के ट्री हैं ये. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट. हर्ब्स है वो वेरी स्मॉल प्लांट होते हैं. जैसे आप धनिया, तुलसी पत्ता, ये सब तुलसी के लीव, तुलसी के जो प्लांट होता है वो देखा आपने, वो स्मॉल प्लांट है ना. देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन. उनकी जो तना है उनका जो क्या होता है वो देखो, ग्रीन होता है. कैसा होता है? ग्रीन. दे ओनली लिव फॉर वन सीजन. उनकी एक सीज़न होती है. जैसे सर्दी के पौधे जो सर्दियों में ही रहते हैं, गर्मी वाले गर्मियों में ही, बारिश में या जो बसंत ऋतु में होते हैं वो उसी समय होते हैं. उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 3 to 4 months या 5 to 6 months. सबके अलग अलग टाइमिंग होती है हर्ब्स की. लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स फ्रॉम हर्ब्स आर यूज टू फ्लेवर फूड एज मेडिसिन और फॉर देयर प्रेजेंट स्मेल. तुलसी, कोरिएंडर एंड मिंट आर हर्ब्स. हम इनको यूज़ करते हैं किसके लिए? हम इनके सीड्स को खाते हैं और ये हमारे सीड्स जो हैं हम उसमें फ्लेवर के लिए फूड में यूज़ करते हैं. धनिया पत्ता हम डालते हैं सब्जी में, किस लिए डालते हैं? उसकी खुशबू अच्छी होती है. तुलसी हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं. तुलसी को यूज़ करते हैं ना जब आपको कफ हो जाता है या तो मम्मी आपको काढ़ा बना के पिलाती है तुलसी का. और मिंट, पुदीना, वो भी हम यूज़ करते हैं जब हमारा स्टमक पेन होता है तो मम्मा उसको देती है ना आपको,
वो भी क्या है हमारे लिए एज अ मेडिसिन यूजफुल है. सर्ब्स आर स्मॉल बिजी प्लांट्स, दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, देयर स्टेम आर थिन एंड वुडी. द रोज एंड कॉटन प्लांट्स आर सर्ब्स. ये देखो ये है कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट है, ये है रोज प्लांट. आपने कॉटन प्लांट देखा है? नहीं देखा है? अच्छा ठीक है. रोज प्लांट तो सबने देखा है, यू ऑल नो ना, इन आवर स्कूल ऑल्सो देयर. हमने स्कूल में भी देखा ना, ये तो हमारे स्कूल में भी है रोज प्लांट तो. हाँ डेली देखते हैं. तो रोज प्लांट क्या है बेटा? सर्ब है. इसका जो है ना तना वो लकड़ी जैसा होता है, लेकिन ज़्यादा वुडी होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ट्री जैसे, बट स्ट्रांग है वो, हर्ब से स्ट्रांग है ये पौधा. और इस पे देखो फ्लावर्स आए हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, मतलब छोटे ही रहते हैं. क्लाइंबर्स हैव लॉन्ग ट्विस्ट स्टीम. ये जो क्लाइंबर है इनकी जो स्ट्रीम होती है तो वो क्या होती है? ट्विस्ट ही होती है, राउंड ऐसे ट्विस्ट खाती रहती है. दे कैनॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, दे ट्विस्ट अराउंड अ सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड. पी प्लांट एंड ग्रेपीज आर क्लाइंबर्स. ये देखो ये है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या करते हैं? दूसरे पेड़ या पौधों किसी टहनी या किसी के सपोर्ट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इसका एक जो है वो उदाहरण है अपना मनी प्लांट, वो सबने देखा है. आपने ये तो नहीं देखे होंगे पी प्लांट और ये, बट आपने मनी प्लांट सबने देखा होगा. देखा है ना सबने मनी प्लांट? मनी प्लांट को मम्मा ने या पापा जो भी आपके गार्डनिंग करते हैं उन्होंने उसको सपोर्ट दिया होगा. हम कई बार उसमें लकड़ी लगा देते हैं, वो लकड़ी के सपोर्ट से चढ़ती है, नहीं तो वॉल पे वॉल के साथ उसको वो कर देते हैं तो वो वॉल के साथ साथ चढ़ते रहती है. देखा है ना? यस. तो मनी प्लांट भी क्या है? क्लाइंबर है. मनी प्लांट भी क्लाइंबर है. सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड चीपर्स. पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर चीपर्स. पम्पकिन और वाटरमेलन चीपर्स के एक उदाहरण है बेटा. और हमारे खेत में जो बारिश के मौसम में हम जब खेती करते हैं तो हम एक अपने देसी राजस्थानी खाते हैं हम काचरा, वो भी तो उसी में होता है, वो भी एक चीपर्स का ही उदाहरण है. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अ प्लांट हैज़ मैनी मैनली टू पार्ट्स. एक पार्ट एक प्लांट के एक पौधे के दो मेन पार्ट्स होते हैं, शूट एंड रूट्स. उसको टू उसमें डिवाइड किया गया पार्ट्स में, मेनली टू फंक्शंस. टू फंक्शंस है ना, उसके टू पार्ट्स होते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट्स. जो ग्राउंड से ऊपर है वो शूट्स कहलाते हैं. ग्राउंड से ऊपर देखो, ये देखो यहाँ पे ये ग्राउंड आ गया, यहाँ पे ये देखो मिट्टी के नीचे का है, अबव यानी ऊपर का, जो ये ऊपर का हिस्सा है ना उस पर. द प्लांट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. देखो इसके नीचे है, ग्राउंड के नीचे है वो क्या हो जाएगा? रूट. बिलो द ग्राउंड है तो वो है रूट. फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शन क्या है रूट के? रूट का भी काम होता है ना, कुछ यूज होंगे रूट के भी. रूट हैव टू मेन फंक्शंस. दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू सॉइल. ये जो है ये क्या करती है? पौधे को मिट्टी के साथ जोड़े रखती है, पकड़ के रखती है. ये देखो मिट्टी के साथ पकड़े हुए है ना, जोड़ के रखा हुआ है मिट्टी के साथ. अगर ये नहीं होगी तो पौधा उखड़ जाएगा, वो जमीन के नीचे टिक ही नहीं पाएगा. दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. ये जड़ें क्या करती है? वाटर और मिनरल्स है वो सॉइल से लेके प्लांट को देती है. जरूरी है ना बेटा, उसको मिलेंगे सारे पौष्टिक तत्व तभी तो पौधा जीवित रहेगा, नहीं तो पौधा मर जाएगा. उसको भी पानी और सारी चीज़ें चाहिए, मिनरल्स चाहिए उसको भी. तो वो सब पौधे को कौन देता है? जड़ें, रूट्स. देन वी डिस्कस टुडे अबाउट फंक्शन ऑफ रूट्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.